स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर दिख रही है उसे कैसे तैयार किया जाता है, आइए सीखते हैं इस वीडियो से। इस पिक्चर को तैयार करने के लिए आपने एमएस वर्ड को ओपन करना है। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट के बाद आपने शेप्स पे क्लिक कर देना है। शेप्स में आपने वर्टिकल स्क्रॉल शेप, जहां पे अभी मेरा पॉइंटर है, उस पे क्लिक कर देना है। इस शेप को आपने ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपने इस पॉइंट, जहां पे ग्रीन कलर दिख रहा है, उस पॉइंट से इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपने इस पे राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फॉर्मेट ऑटो शेप पे क्लिक कर देना है। फॉर्मेट ऑटो शेप डायलॉग बॉक्स में आपने कलर एंड लाइंस पे क्लिक करके फिल इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर पे क्लिक कर देना है। पिक्चर में आपने सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, इनविटेशन कार्ड की पिक्चर हमने पहले से तैयार करके रखी है, या पहले से वो आपके सिस्टम में होनी चाहिए। कोई भी इनविटेशन कार्ड है, उसको आप फोटो क्लिक करके सिस्टम में सेव कर दीजिए। उसके बाद आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में इस पिक्चर को पहले से स्टोर करके रखा है। आप इसको चूज करके इंसर्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद फिर ओके कर दीजिए। और इस तरह से ये पिक्चर आपकी शेप में आ रही है। आप इस पिक्चर को राइट क्लिक करके कॉपी करें और पेंट ओपन करके वहाँ पर आप इस पे इसे पेस्ट कर दें। इस तरह से आप कोई भी पिक्चर इस तरह की शेप में आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो शेप ली है, इसमें फॉर्मेट मेनू में जा करके शेप को चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। शेप की आउटलाइंस में लाइंस का वेट बढ़ा सकते हैं। और कलर भी अच्छा कर सकते हैं। इसको और अच्छे से फिर आप कॉपी करके एमएस पेंट पे पेस्ट कर दें। इस तरह से आप ये डिजाइन तैयार कर सकते हैं और प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप इस तरह की पिक्चर सोशल मीडिया के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, किसी भी सोशल मीडिया के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें डेटा आप खुद की तरफ से डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।